ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। रीट पेपर लीक मामले में अब विपक्ष प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर हो गया है। इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मंगलवार को बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में सीएम आवास की तरफ कुछ किया, लेकिन इस दौरान पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां बरसाई। आंदोलनकारी पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ गए और उन्होंने सिविल लाइन फाटक की ओर कूच कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सतीश पूनिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष हिमांशु शर्मा समेत कई युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने रीट पेपर लीक प्रकरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस्तीफा मांगा और उन पर इस पूरी धांधली में लिप्त होने के आरोप भी लगाए। आपको बता दें, प्रदर्शन में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर सतीश पूनिया भी बैरिगेट्स लांघ कर मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच कर आगे बढ़े। इस दौरान सिविल लाइन फाटक पर पुलिस ने बबरता पूर्वक लाठी चार्ज किया और साथ ही बैटर कैनन द्वारा कार्यकर्ताओं को धकेलने का प्रयास किया। इसके बावजूद कार्यकर्ता कई घंटों तक संघर्ष कर प्रदर्शन में डटे रहे। गहलोत सरकार ने पुलिस का दुरुपयोग कर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल पार्थ, विपुल शर्मा इत्यादि सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जबरन गिरफ्तार कर झूठवाड़ा थाने ले जाया गया, जहां काफी देर तक सभी नेताओं ने धरना दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार भ्रष्ट है, जिसके संरक्षण में नकल गिरोह पेपर लीक कर सरकार की व्यवस्था को खुले चुनौती दे रहा है। रीट पेपर लीक मामले में राजीव गांधी स्टडी सर्कल से जुड़े लोगों से होते हुए तार स्वयं मुख्यमंत्री तक पहुंच रहे हैं। इसमें सरकार बड़े मगरमच्छों को बचाने में लगी हुई है। इस सरकार ने न केवल रीट परीक्षा 2021 अपितु तमाम परीक्षाओं में घोटाला किया है, इसके जिम्मेदार स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और मामले की जाँच सीबीआई को सौंपनी चाहिए। सतीश पूनिया ने आगे कहा कि प्रदेश के युवाओं को न्याय दिलाने के लिए भाजपा सड़क से लेकर विधानसभा तक रीट पेपर लीक मामले को पुरजोर तरीके से उठाएगी और 8 फरवरी को विधायक दल की बैठक के बाद जयपुर के महात्मा गांधी सर्किल पर रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पार्टी के सभी विधायक धरने पर बैठेंगे। वहीं भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि राजस्थान का युवा मोर्चा इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को ईंट से ईंट बजाने के लिए अब सड़कों पर आ चुका है। इस सरकार ने लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। रीट परीक्षा 2021 की जांच सीबीआई से करानी चाहिए तथा इनके मंत्री जिन्होंने ये घोटाला किया है सभी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं प्रदर्शन के बाद पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज में घायल कार्यकर्ताओं से मुलाकात के लिए भाजपा नेता सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री धनश्याम तिवारी ने अस्पताल पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने घायलों की कुशल क्षेम पूछी और चिकित्सकों को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। पुलिस द्वारा किए लाठीचार्ज में 35 कार्यकर्ताओं को गंभीर चोटें आई है। ये 20 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत SMS ट्रोमा सेंटर पहुँचाया गया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।